स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 5 के अरिथमेटिक प्रोग्रेस के क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एस एन इज इक्वल टू 12 n स्क्वायर प्लस 21 n, देन ए एन इज इक्वल टू कितना होगा? तो ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। तो एस एन तो हमारे पास गिवन है, एस एन माइनस 1 फाइंड आउट करें। तो एस एन माइनस 1 क्या होगा? तो 12 n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 21 n माइनस 1। तो यहाँ पे हम पुट कर देते 12, पहले 12 का 12, n माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और यहाँ पे 21 यानी कि क्या होगा? तो 21 n माइनस 21, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 12 n स्क्वायर माइनस 12 टू द 24 n प्लस 12 वन द 12 प्लस 21 n माइनस 21। तो यहाँ पे 12 n स्क्वायर का 12 n स्क्वायर माइनस 24 n प्लस 21 n तो कितना होगा? माइनस 3 n होगा। और यहाँ पे प्लस 12 माइनस 21 यानी कि माइनस 9 आंसर मिलेगा। एस एन माइनस 1 और एस एन हमें कितना गिवन है? तो एस ए एन, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो यहाँ पे एस एन कितना है? 12 n स्क्वायर माइनस प्लस 21 n माइनस ए 12 n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 n हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस 10 का 12 n स्क्वायर कट हो जाएगा, 21 n इज इक्वल टू 3 n प्लस 3 n, तो कितना होगा? 24 n प्लस 9, ये हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे हमें जो गिवन है ट्रू फॉल्स के टर्म में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे क्या है? 24 n प्लस 2 सॉरी 9 ही है, इसलिए आंसर कैसा है? करेक्ट है। और ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।